हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक मास्टर G9 और मैं आपका दोस्त आकाश लेके आ गया फिर से एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोटो को या प्रोफाइल पिक्चर को कैसे लोगो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फ़ोटो को कैसे सर्कल में बना सकते हैं, वो भी राउंड में काफ़ी इजी ट्रिक के साथ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम को ना बर्बाद करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है फिक्सल ऐप। ये आपको प्ले स्टोर से सिंपली अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों। अगर आपको इसकी कंप्लीट वीडियो चाहिए कि आपको एक फंक्शन के बारे में जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर पूरा वीडियो ट्यूटोरियल बना के दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि हम अपने फ़ोटो को कैसे राउंड बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक फ़ोटो कोई भी सिलेक्ट कर लेना जिसको आप राउंड अप में बनाना चाहते हैं, लोगो बनाना चाहते हैं, या कहीं भी आप सेट कर सकते हो इस फ़ोटो को। तो चलिए, हम एक प्रोफाइल किसी भी एक फ़ोटो को ले लेते हैं फटाक से। देख सकते हैं मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया, बट ये देख सकते हैं आप स्क्वायर में आ रही है दोस्तों। हमें इसे राउंड अप करना है, तो कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पर नीचे में आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप रोटेशन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे घुमा सकते हो, यहाँ पे आप फ़ोटो को लॉक कर सकते हो। लॉक के बाजू में जस्ट ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे सर्कल का ऑप्शन दिख रहा है, हमें इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, देख सकते हो ये फ़ोटो राउंड पर आ चुकी है, तो हमें सिंपली इसे ओके कर देना। नीचे पर आपको एक राइट का ऑप्शन आ रहा है नीचे पर, तो हमें राइट का पर क्लिक कर देना। क्लिक करने का इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए दोस्तों कि इतना के सेट हो सके, ठीक है। मैं कर लिया इतना। अब आपको करना क्या है, आपको इसको PNG बनाना है थोड़ा सा। तो इसे PNG बनाने के लिए थोड़ा सा इसका साइज़ वगैरह कम करके यहाँ आपको नीचे पे एक फोर्थ ऑप्शन पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे नीचे इसके नीचे, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड का होगा, आपको ट्रांसपेरेंट करना है, तो यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे, आपको ये ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने का देख सकते हो ये प्रोफाइल बन के हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ आपको जो प्लस का आइकन है, आइकन के बाजू में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे मेमोरी का, मेमोरी कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने का यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेव एज प्रोजेक्ट, अगर आप चाहो तो इसे सेव एज प्रोजेक्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे बाद में मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हो। आप इस फोटो पे कुछ लिखना चाहो तो वो भी एडिट कर सकते हो, टैक्स वगैरह अच्छे स्टाइल पे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने मेरे चैनल पे करके रखा, और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव एज इमेज, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा डिमिनिशन, तो यहाँ पे आपको इस पर दबाना है। दबाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको वेरी हाई का और एक अल्ट्रा, ये दोनों दोस्तों क्वालिटी रहती, तो ठीक है हम अल्ट्रा पे क्लिक कर लेते हैं। अल्ट्रा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एज गैलरी पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम जैसे सेव टू गैलरी करेंगे तो हमारी इमेज जो है वो सेव हो चुकी होंगी और उसे आप जहाँ चाहो वहाँ यूज़ कर सकते हो दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आते रहते हैं चैनल पे। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।